हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग अपने जावा एडवांस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोस्ट को ऐड करने के लिए फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और कुछ रिक्वायरमेंट है उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दो टेबल क्रिएट किया था। एक टेबल बनाया था पोस्ट टेबल, जिसमें हमने कुछ कॉलम्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया था, और एक टेबल बनाया था कैटेगरीज, जिसमें हमने कैटेगरी को स्टोर करने के लिए कुछ कॉलम्स को क्रिएट किया था। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे हम क्या कर पाएँ, कोई बंदा जब लॉग इन कर पाए वो अपना पोस्ट ऐड कर पाए, दैट मीन्स वो ब्लॉग को पोस्ट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन है नेटबीन्स में। ये हमारा प्रोजेक्ट है टेक ब्लॉक, जिसमें वेब पेजेस के अंदर हम लोगों ने कुछ जेएसपी पेजेस बनाए थे और सोर्स पैकेजेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस को डिज़ाइन किया था। और ये प्रोजेक्ट मैंने रन किया हुआ है यहाँ पे, ये लॉगिन किया हुआ है इस प्रोफाइल से, डीके तिवारी से। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन हो पोस्ट की, और जैसे ही मैं पोस्ट बटन पे क्लिक करूँ तो हमें एक फॉर्म ओपन हो जाए और उस फॉर्म में हम लोग डेटा फिल कर दें, जब सबमिट करें तो हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग वो फॉर्म बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटिटी क्लास में दो क्लासेस बनाते हैं, एक बनाएंगे हम लोग कैटेगरीज के लिए और दूसरी बनाएंगे पोस्ट के लिए। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग जितनी टेबल बनाएंगे उतनी क्लासेस बनाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे अपने एंटिटीज के अंदर। तो सिंपल मैं एंटिटीज पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और जावा की क्लास पे क्लिक कर दूँगा। परफेक्ट। और यहाँ पे ये क्लास का नाम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने क्लास का नाम दे दूँगा कैटेगरी सिंपल, क्योंकि ये जो क्लास होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे एक कैटेगरी को स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट एक कैटेगरी को स्टोर कर पाएगा। तो दिस क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट कैटेगरीज। फिनिश कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कैटेगरी क्लास में कौन कौन सी फील्ड्स हम बनाएंगे, तो इस कैटेगरी क्लास में हम वो सारी फील्ड्स बनाएंगे जो फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम में लिया था कैटेगरीज वाले में। तो सिंपली तीन फील्ड कॉलम में थी, एक सीआईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। तो हम तीन फील्ड यहाँ पे बना देंगे। सबसे पहले इंटीजर टाइप की, या हम लोग प्राइवेट इसको कर देंगे, प्राइवेट इंटीजर सीआईडी फॉर कैटेगरी आईडी एंड स्ट्रिंग, या इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, कैटेगरी नेम है ये बेसिकली, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो तीन फील्ड बना लिया। दैट मीन्स जब भी हम लोग इस टेबल से डेटा फेच करेंगे तो हम लोग इस क्लास के ऑब्जेक्ट में सिंपली स्टोर कर पाएंगे। तो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो मैं ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और जनरेट में कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूंगा और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो ऑल्ट इंसर्ट करेंगे और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे, और फिर से हम लोग इस बार हम लोग किसी भी फील्ड को चेक नहीं करेंगे, तो हम लोग जनरेट कर देंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर मैं और बनाऊंगा, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और कंस्ट्रक्टर को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे फील्ड को चेक तो करेंगे, बट हम लोग छोड़ देंगे इस बार सीआईडी, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सीआईडी ना हो, उस केस में आपको डेटा इनिशियलाइज करना हो तो आप यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लेंगे, जिसमें आप नेम पास कर दोगे और डिस्क्रिप्शन पास कर दोगे, आईडी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगी। और हम लोग फील्ड्स को बाहर एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये फील्ड्स देखो भाई प्राइवेट हैं, तो हम लोग इन फील्ड्स को बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवाना चाहते हैं। हम लोग कोई भी वैल्यूज को गेट करना चाहेगा तो गेटर्स और सेटर्स यूज करेगा, गेट करने के लिए गेटर्स और सेट करने के लिए सेटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑल्ट इंसर्ट दबाएंगे, इस बार जनरेट करेंगे गेटर्स एंड सेटर्स, और सिंपली हम लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और जनरेट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा इस क्लास का काम हो गया है। और इस क्लास को सिंपली हम बंद कर देंगे, जब यूज़ करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए, एक क्लास और बना लीजिए पोस्ट। तो आप क्या करिए, अपने पैकेज एंटिटीज़ वाले पैकेज पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, सिंपली जावा क्लास पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक क्लास बना दीजिए
पोस्ट और फिर से फिनिश कर दीजिए, तो एक क्लास पोस्ट बन गई। अब आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि इस पोस्ट क्लास में कौन कौन सी फील्ड रखनी है, क्योंकि ये एंटिटी है, ये रिप्रेजेंट करती है एक टेबल, तो हमें जो जो डेटा हम लोग ने पोस्ट वाले फील्ड में लिया था, पोस्ट वाले टेबल में लिया था, वो सारी चीज़ हम लोग बना देंगे अपने टेबल के अंदर, या अपने सॉरी अपने क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला कॉलम होगा पी आई डी, पहला एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, पहला वेरिएबल होगा पी आई डी, तो हम लिखेंगे प्राइवेट इंटीजर पी आई डी। नेक्स्ट पी टाइटल, तो हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पी टाइटल। नेक्स्ट पी कॉन्टेंट, तो हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पी कॉन्टेंट। एंड नेक्स्ट पी कोड, तो हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पी कोड। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पी पिक, तो हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पी पिक। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिंपली उसके बाद पी डेट लेना है, डेट का जो टाइप था वो था टाइम स्टैम्प, तो हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प पी डेट। एंड नेक्स्ट इज कैटेगरी आईडी, तो हम लिखेंगे प्राइवेट इंटीजर सी कैट आईडी है, तो एकदम मैं कॉलम्स के नाम सेम रखूँगा, परफेक्ट हमारा काम हो गया। टाइम स्टैम्प जो डेटा टाइप है वो है हमारे पैकेज इम्पोर्ट जावा डॉट एस क्यू एल पैकेज के अंदर, तो सिंपली इम्पोर्ट कर लीजिए इस वाली क्लास को रिजॉल्व करने के लिए, परफेक्ट। अब उसके लिए इस क्लास के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स एंड गेटर सेटर्स बनाएंगे, तो ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, उसके बाद फिर ऑल्ट इंसर्ट करेंगे और हम लोग कंस्ट्रक्टर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और जनरेट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर और बनाएंगे जिसमें हम लोग आईडी को मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और आईडी को छोड़ देंगे और जनरेट कर देंगे। इस केस में आईडी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेटर गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे, तो ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए और गेटर्स एंड सेटर पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल पर कर दीजिए, जनरेट पर क्लिक कर दीजिए, परफेक्ट। अब आप क्या करोगे अपने जावा अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, जावा में भी आप क्या कर पाओगे, पोस्ट को स्टोर कर सकते हो पोस्ट के ऑब्जेक्ट में, और कैटेगरीज को स्टोर कर सकते हो कैटेगरी क्लास के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो दो क्लासेस हमारे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल को। डेटाबेस में अगर आप पोस्ट की बात कर रहे हो तो इस पोस्ट में एक पोस्ट स्टोर होगा, और अगर जावा के अंदर पोस्ट की बात कर रहे हो तो पोस्ट क्लास क्या करेगी, आपके एक सिंगल पोस्ट को स्टोर कर पाएगी, और कैटेगरी क्लास जो होगी वो सिंगल कैटेगरी को पोस्ट कर पाएगी, स्टोर कर पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी इस पेज में नहीं बनाया, तो हम लोग यहाँ पे एक बटन देते हैं कॉन्टैक्ट के बगल में पोस्ट की, ठीक है, या डू पोस्ट। तो आते हैं भाई अपने नैप बार के अंदर, ठीक है, तो हम लोग प्रोफाइल पेज पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग ये देखिए हमारा नैप बार है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट के बगल में, तो हमारा भाई कॉन्टैक्ट कहाँ है, ये रहा कॉन्टैक्ट, और इसके बगल में हम लोग इसी वाले को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए और कॉन्टैक्ट को कर दीजिए ऐड या डू पोस्ट, या हाँ डू पोस्ट सिंपल, और आप रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ एक डू पोस्ट की बटन आ गई है, ठीक है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं एक यहाँ पे फॉर्म ओपन हो, तो चलते हैं भाई सारी चीज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे ज़रा इसका आइकन चेंज कर देता हूँ, तो वेल का आइकन है, ठीक है, तो ये ज़्यादा बढ़िया तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन टाइप का लग रहा है, तो कुछ और ट्राई करते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक कर देते हैं एक बार, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं मॉडल, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप 4 टाइप करेंगे गूगल पे, और हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग सर्च करने वाले हैं मॉडल। तो आप सर्च बॉक्स में मॉडल टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल। तो हम चाहते हैं कि मैं ये क्लिक करूँ और हमारा ये काम हो जाए, तो हम लोग सिंपली ये मॉडल का कोड है, इस मॉडल वाले कोड को कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे सबसे नीचे जहाँ पे हम लोग मॉडल्स लिख रहे थे, तो ये बेसिकली प्रोफाइल मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल मॉडल ओपन हो क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे ऐड पोस्ट मॉडल, ठीक है, और हम लोग एक कमेंट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड ऐड पोस्ट मॉडल, तो यहाँ पे हमारा पोस्ट मॉडल एंड हो गया। उसके बाद हम लोग पेस्ट कर देंगे अपना कोड,
तो देखेंगे यहाँ पे बटन दिखेगी, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम लोग कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, देखिएगा ये हमारा मॉडल है। सबसे पहले मैं मॉडल का ट्रिगर बटन हटा दूंगा और मैं क्या करूँगा, इस मॉडल की आईडी बदलूंगा, इस मॉडल की आईडी रखूंगा एड पोस्ट डैश मॉडल, ठीक है। तो आप आईडी देख लीजिए एड पोस्ट मॉडल। जब आपने यहाँ पे बटन हटा दी तो बटन नहीं दिखेगी, बट मॉडल है आपका। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आईडी बस ध्यान रखिएगा एड पोस्ट मॉडल, और हम लोग अपने बटन पे आ जाएंगे जिस पे क्लिक करने पे हमें मॉडल को फायर करना है। तो हमें करना क्या है भाई, हमें डू पोस्ट वाली बटन पे क्लिक करने पे मॉडल फायर करना है। तो यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेटा टॉगल, और डेटा टॉगल में दैट मीन्स हमें फायर क्या करना है मॉडल, और हम लिखेंगे डेटा डैश टारगेट, किस मॉडल को आपको टारगेट करना है। तो हम लिख देंगे डू पोस्ट मॉडल, ठीक है, डू पोस्ट मॉडल, ये उसी की आईडी है जिस मॉडल को हम लोग ओपन करना चाह रहे हैं। और आके हम रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद हम लोग डू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हो गया, एक बार आईडी चेक कर लेते हैं हम लोग भाई। तो देखिए यहाँ पे आईडी ऐड पोस्ट मॉडल थी, तो हम लोग ऊपर चलेंगे और डू पोस्ट मॉडल को चेंज करके हम लोग सिंपली ऐड पोस्ट मॉडल कर देंगे। यहाँ पे देखिए आईडी आपको सेम रखनी है, और फिर से हम लोग रिफ्रेश करेंगे और हम लोग डू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो परफेक्ट, जैसे मैं डू पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ हमारा फॉर्म ओपन हो जा रहा है, परफेक्ट। डू पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ हमारा फॉर्म ओपन हो जा रहा है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म पे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो हम लोग आते हैं फॉर्म पे डिज़ाइन करने का मतलब हम लोग मॉडल पे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने देखिए ऐड पोस्ट मॉडल बनाया था, ये मॉडल है और ये है हमारा मॉडल का टाइटल। तो हम इस टाइटल को चेंज कर देंगे, प्रोवाइड द ब्लॉक डिटेल या पोस्ट डिटेल, ठीक है, डिटेल्स। तो अगर आप रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पे देखिए आ गया है प्रोवाइड द पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फील्ड बनानी है, तो पोस्ट डिटेल में आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले देखो पीआईडी आपको नहीं लेनी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप बढ़ जाएगी। आपको टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए, दो चीज़, टाइटल और कंटेंट। तो दो फील्ड बनाते हैं टाइटल और कंटेंट की। तो हम लोग आएंगे सिंपली मॉडल इस बॉडी में, ठीक है, और बॉडी में हम लोग टाइटल और कंटेंट की फील्ड बनाएंगे। तो सिंपली देखते जाइए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक फॉर्म बना लेंगे, और फॉर्म को कहाँ पे सबमिट करना है ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। आप फॉर्म टैग बना दीजिए, या फॉर्म टैग के अंदर देखिए आप एक्शन दे दीजिए, इसको सबमिट करना है फॉर्म को ऐड पोस्ट सर्वलेट पे, ठीक है। और मेथड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फील्ड बनाते हैं टाइटल के लिए। तो हम बनाएंगे एक डिफ जिसकी क्लास देंगे फॉर्म ग्रुप। आपको सबको इतना तो पता चल गया होगा कि बूटस्ट्रैप क्या कहता है भाई, किसी भी फील्ड को बनाना है तो आपको उसको रखना है फॉर्म ग्रुप के अंदर, जिससे कि आपको मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी। और उसके बाद आपको बनाना है इनपुट, और टाइप में लिखना है टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में लिखना है एंटर पोस्ट टाइटल, ठीक है, एंटर पोस्ट टाइटल। और एक और इस पे क्लास लगानी है, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, कंट्रोल सिंपली सेव कर देना है और रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, देखिए आपको एंटर पोस्ट एंटर पोस्ट टाइटल का यहाँ पे प्लेस होल्डर दिख रहा है, आप यहाँ पे टाइटल लिख पाओगे। जैसे सपोज हमारा टाइटल है व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। तो यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो। उसी तरह हम लोग को दूसरी जो फील्ड बनानी है वो बनानी है कंटेंट के लिए। तो कंटेंट वाली फील्ड थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, या सिंपली आप क्या करिए कॉपी छोड़ दीजिए, आप डे लिख दीजिए, क्लास लगाइए फॉर्म ग्रुप क्लास, और सिंपली आप इसके अंदर आ जाइए और इसके अंदर यूज़ करिएगा टेक्स्ट एरिया, क्योंकि अब आपको एक लाइन का इनपुट नहीं चाहिए, कई लाइनों का इनपुट चाहिए। और सिंपली क्लास लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर में लिख दीजिए एंटर योर कंटेंट, ठीक है, और सेव करिए और इसको रिफ्रेश करिए। तो आपको देखिए यहाँ पे एंटर योर कंटेंट मिल रहा है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप कंटेंट को लिखते जाओगे इसका कंटेंट बढ़ता जाएगा, या हम लोग भी इसकी हाइट घटा बढ़ा सकते हैं CSS की हेल्प से या रोज कॉल की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे स्टाइल और हाइट में लिख देंगे 300 पिक्सल, ठीक है। और हम अगर रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को तो देखेंगे
बाय डिफॉल्ट हमें 300 पिक्सल की यहाँ पे मिल रही है हमें हाइट, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको 200 पिक्सल्स कर देते हैं, और अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे ये देखिए परफेक्ट। अब बचा हमारा, देखिए हमारा दो हो गया, टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, कोड, कोड भी इम्पॉर्टेंट है, तो कोड भी हम लोग क्या करते हैं, चलिए कोड वाले भी फील्ड हम लोग बना लेते हैं। तो कोड वाली फील्ड एग्जैक्टली ऐसे ही होगी, तो हम इस वाली फील्ड को, अपनी फील्ड को कंट्रोल नहीं, कंट्रोल सिर्फ डाउन एरो से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग जहाँ हम लोगों ने लिखा था एंटर योर कंटेंट, यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर प्रोग्राम प्रोग्राम, और ब्रैकेट में लिख देंगे इफ एनी, अगर है तो डालो अदरवाइज छोड़ दो, है तो डालो अदरवाइज छोड़ दो। तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक कंटेंट के लिए और एक कोड के लिए, ठीक है, तो कोड भी हो गया। अब बचा पिक, तो पिक पिक के लिए आपको एक फील्ड और बनानी होगी, तो आते हैं बना लेते हैं भाई। हम लोग बनाएंगे डिव, और क्लास में वही लगाएंगे फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हम लोग एक फोटो को सेलेक्ट करने के लिए बनाएंगे, ठीक है, फोटो को सेलेक्ट करने के लिए फील्ड बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप, और फोटो को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है फाइल, ठीक है, फाइल लिखना है, और यहाँ पे फिर से आपको प्लेस होल्डर में लिखना है एंटर योर फाइल या एंटर योर पिक, परफेक्ट। और हम इसका नाम हम बाद में दे देंगे, अभी हम फॉर्म डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाओगे परफेक्ट, तो आप यहाँ पे फाइल चूज़ भी कर सकते हो, और यहाँ पे इस टाइप फाइल पे प्लेस होल्डर नहीं चल रहा है, तो सिंपली इसको हटा दीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए एक लेबल, और लेबल में लिख दीजिए सेलेक्ट योर पिक, ठीक है, सेलेक्ट योर पिक, आ जाइए देख लेते हैं भाई सेलेक्ट योर पिक। इसको नीचे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बी आर लगा दीजिए, तो ये लेबल क्या होगा आपका नीचे आएगा, परफेक्ट सेलेक्ट योर पिक। तो आप यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लोगे, दैट मीन्स आप क्या करोगे अपने पोस्ट का यहाँ पे टाइटल दे दोगे, कंटेंट दे दोगे, और अगर प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम दे दोगे, और अगर कोई पिक है तो उस पिक को भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो फोटो के साथ आपकी ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ टाइटल है, कंटेंट है, प्रोग्राम है, क्योंकि मैं जो मुझे चीज़ें आती हैं भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही चीज़ें बना रहा हूँ। वैसे ही मैंने लगभग मिलता जुलता डेटाबेस डिसाइड किया, बट अगर आप जनरल चीज़ के लिए बना रहे हो तो आप बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पे बना सकते हो, और उसी हिसाब से यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग। आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि भाई सपोज़ हमें लिंक भी रखना है, तो एक कॉलम यहाँ पे बना देते हैं लिंक, और हम लोग यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे एक फॉर्म में भी एक कॉलम बढ़ा देंगे। चलिए अब लास्ट चीज़ हमारे इस वाले फॉर्म में बची क्या, हमें ये भी बताना होगा कि इस ये जो टाइटल है, ये जो आपका पूरा पोस्ट है, वो किस कैटेगरी में जाएगा, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग कैटेगरी, ये सारी चीज़ें कैसे जाएगी। तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे ऊपर ड्रॉप डाउन दिखाऊँगा कैटेगरीज़ का। तो आ जाते हैं भाई, कुछ डमी कैटेगरीज बना देते हैं सबसे ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज वाला ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर देखिएगा, सेलेक्ट के अंदर मैं बनाऊँगा ऑप्शंस, ऑप्शंस में कैटेगरीज आपको खुद नहीं देनी, बस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैट वन, इसी तरह मैं बहुत सारी चीज़ें लिख दूंगा, बट ये कैटेगरीज जो होंगी, ये वाली कैटेगरीज, ये कैटेगरीज आपके डेटाबेस से आएंगी, जो टेबल यहाँ जो आपने कैटेगरीज इसमें रखी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बढ़िया करने के लिए इसको हम रखते हैं डिफ फॉर्म ग्रुप में, फॉर्म ग्रुप में, तो थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन मिल जाएगी चारों तरफ से, और जो सेलेक्ट बॉक्स था इसके अंदर रखते हैं, और सेलेक्ट में लगा देते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, लगाएंगे फॉर्म कंट्रोल, सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, तो देख पाएंगे, ठीक है, कैटेगरीज इसको फॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस हो गई थी, रिफ्रेश करते हैं एक बार, परफेक्ट। तो यहाँ पे कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर पाओगे, और एक ऑप्शन रख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो हम लोग पहला ऑप्शन जो है उसको रख देते हैं डैश 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 सेलेक्ट कैटेगरी डैश डैश, तीन बार डैश कर दीजिए, और आइए रिफ्रेश करिए, तो ठीक है सेलेक्ट कैटेगरी, बट हम चाहते हैं एक बार सेलेक्ट कर लें तो ये सेलेक्ट ना हो, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसमें कर देंगे, सबसे पहले इसको चेक्ड कर देंगे,
सेलेक्टेड, और इसको क्या करेंगे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। जिससे ये डिसेबल रहेगा, दोबारा आप सेलेक्ट ना कर पाओ तो देखिएगा इसको अब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं इसको नहीं। अब हमारा मेन टास्क है कि ये जो कैटेगरीज हैं इनको लाना है हमें डेटाबेस से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से कैटेगरीज उठानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस को कॉन्टैक्ट करेंगे कैटेगरीज को निकालने के लिए। जैसे ये प्रोफाइल पेज लोड होगा आपका, जैसे ये प्रोफाइल पेज लोड होगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैटेगरीज को लोड कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली दिखा देंगे कैटेगरीज को, जिससे कि यहाँ पे जो डेटाबेस में कैटेगरीज हूँ वो कैटेगरीज सारी हमें दिख पाए। तो चलिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कैटेगरीज में दो तीन कैटेगरी डाल देते हैं। सबसे पहला कैटेगरी एक डाल देते हैं जावा प्रोग्रामिंग, ये एक सिंपल कैटेगरी है, और डाल देते हैं इसके बारे में कुछ डाल देते हैं, लिख देते हैं जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक और डाल देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और डाल देते हैं पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हमने डाल दी, एक कैटेगरी और डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, और यूज्ड मोस्टली फॉर वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैन्युअली मैंने तीन कैटेगरी डाल दी, इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है, तीनों कैटेगरी को मैं सेव कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो तो इन कैटेगरीज को इस तरह फॉर्म बना के भी कर सकते हो, बट मैं कुछ लिमिटेड कैटेगरीज ही देना चाहता हूँ, जिससे कि यूज़र के पास पावर ना हो कैटेगरीज क्रिएट करने की, यूज़र के पास सिर्फ पावर क्या हो उन कैटेगरीज में पोस्ट करने की, ठीक है। तो कैटेगरीज हम लोग बना देंगे यहाँ डेटाबेस से, या आप एडमिन पैनल से कैटेगरीज को ऐड करा सकते हो। फिलहाल मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए तीन कैटेगरीज को ऐड कर दिया, अगर मैं चाहूँगा तो डेटाबेस में कैटेगरीज को ऐड कर दूँ। अब हमारा सिंपली काम यह है कि इन कैटेगरीज को यहाँ पे दिखाना, जैसे आप क्लिक करो यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज दिखें जो आपके डेटाबेस में है। तो चलिए हम लोग फटाफट वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये काम करने के लिए हम लोग आएंगे डाओ के अंदर, डाओ के अंदर, और डाओ के अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू, और न्यू जावा क्लास, और इस क्लास का नाम दे देंगे पोस्ट डाओ, या ब्लॉग डाओ, या पोस्ट डाओ, सिंपली यहाँ पे आप दे दोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जो डेटाबेस से सारी कैटेगरीज को फेच कर रहा हो। किसे फेच कर रहा हो, डेटाबेस से सारी कैटेगरीज को फेच कर रहा हो। चलिए भाई बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको कनेक्शन, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एस क्यू एल। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे कनेक्शन कौन, और इसके लिए बना देंगे कंस्ट्रक्टर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे भाई, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे, परफेक्ट। अब हम लोग फंक्शन बनाएंगे जो सारी कैटेगरीज को रिटर्न कर रहा हो। तो हम लिखेंगे पब्लिक, और रिटर्न टाइप में मैं लूंगा एरे लिस्ट कंटेनिंग कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज, परफेक्ट। और इसका नाम होगा गेट कैटेगरीज, या गेट ऑल कैटेगरीज, आप पे डिपेंड करता है, तो मैं कहूँगा गेट ऑल कैटेगरीज, परफेक्ट। रिटर्न करना एरे लिस्ट, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एरे लिस्ट कंटेनिंग कैटेगरीज, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको नल कर देता हूँ और इसी को नीचे से रिटर्न कर देता हूँ, जिससे एरर आपकी चली जाए। तो लिस्ट यहाँ वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट, और यहाँ लिस्ट को रिटर्न कर देता हूँ, परफेक्ट। हम लोगों को करना है क्या है, इसके बीच में डेटा निकालना है, फेच करना है, और इस लिस्ट में सारे कैटेगरीज को ऐड कर देना है। तो सिंपली मैं लगाऊंगा ट्राई कैच, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एरर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। और हमको एक क्वेरी फायर करनी, जो क्वेरी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्वेरी है ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल कैटेगरीज, ठीक है। हिट क्वेरी आपको फायर करनी है, कैसे फायर करना है ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो भाई चले देखते हैं कैसे फायर करनी है।
ठीक है, तो क्वेरीफायर करने के लिए हमें चाहिए प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो हम निकाल लेंगे, देखिए कौन डॉट या स्टेटमेंट से फायर कर सकते हो आपकी मर्जी। तो एक वेरिएबल ले लीजिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एस टी इज इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और आप रिजल्ट सेट ले लीजिए, रिजल्ट सेट सेट इज इक्वल टू एस टी से बोलिए एग्जीक्यूट क्वेरी, और अपनी क्वेरी पास कर दिए। परफेक्ट है, क्वेरी को फायर कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस सेट से डेटा फेच करना है। तो सिंपली पहले आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, या ऑब्जेक्ट यहीं पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बना लीजिए न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब आप वाइल लूप लगा दीजिए सारे रो पे जाने के लिए, और इस लूप में कंडीशन लगाए सेट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जब जब नेक्स्ट होगी तब तक ये जाता रहेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी JDBC वाली प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने परफेक्टली आपको समझाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा निकालेंगे एक रो का। तो हम लोग CID, CNAME और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर CID ले लेंगे, देखिए, और निकालेंगे कैसे, सेट डॉट गेट इंट, और हम लोग इसमें दे देंगे कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम है CID। ठीक है, इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे कैटेगरी नेम, और सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, नेम तो स्ट्रिंग में होगी और नेम उसका कॉलम का नाम था। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम दे देंगे डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट, तीनों चीज़ आ गई। अब हम लोग बनाएंगे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, और हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में जो हमने डेटाबेस से फेच किया है वैल्यू वो पास कर देंगे। तो देखते जाइए कैटेगरी, और सबसे पहले दे देंगे CID, फिर नेम, फिर डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट, अब हमारा एक रो की जो कैटेगरी है उस इस सी में रखी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लिस्ट डॉट ऐड, और इसको ऐड कर देंगे सी में। परफेक्टली, अब होगा क्या, हर रो का डेटा आता जाएगा, हर रो की CID, नेम, डिस्क्रिप्शन आती जाएगी, एक कैटेगरी बनता जाएगा और सारे ऑब्जेक्ट इसमें ऐड होते जाएंगे, लूप चलता जाएगा और सारे ऑब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के पास उस कैटेगरी की ID होगी, उस कैटेगरी का नाम होगा, उस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन होगा। परफेक्ट, और सारी चीज़ें जब ये लूप खत्म होगी तो सारे कैटेगरीज इस लिस्ट में आ जाएंगे और वही लिस्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। इफ़ इन केस अगर कैटेगरी नहीं है तो लिस्ट की वैल्यू जीरो आएगी। परफेक्टली हमारा काम होगा। अब भाई चलते हैं, काम करते हैं, अपने प्रोफाइल पेज पे आ जाते हैं, और जहाँ पे कैटेगरीज ये हम ऐसे करके दिखा रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे जावा। देखते जाइए आप, परफेक्टली काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे जावा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट अपने पोस्ट डाओ का। देखिए पोस्ट डाओ पोस्ट डी, पोस्ट डी इज इक्वल टू न्यू पोस्ट डाओ। ओके भाई, इसको देना है कनेक्शन प्रोवाइडर, तो हम लिखेंगे कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन। परफेक्ट, और हम इससे मांगेंगे क्या भाई, पोस्ट डी से मांगेंगे गेट कैटेगरीज, और ये हमें एरे लिस्ट के फॉर्म में सारी कैटेगरीज को दे देगा भाई, एरे लिस्ट। तो हम लोग एरे लिस्ट का वेरिएबल बना लेंगे, एरे लिस्ट कंटेनिंग कैटेगरी, और हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में सारी कैटेगरीज को स्टोर कर लेंगे। परफेक्ट, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, बल्ब पे क्लिक करेंगे और बल्ब को जला देंगे। आप लोग बल्ब को जला दीजिए, तो इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक कैटेगरीज को बाहर निकालेंगे फॉर ईच ग्रुप से। तो हम लिखेंगे फॉर और लिखेंगे कैटेगरी और लिखेंगे C:list, तो लिस्ट से एक एक कैटेगरी आती जाएगी। तो हम लूप लगाएंगे, लेकिन लूप यहाँ नहीं बंद करेंगे, लूप हम बाहर बंद करेंगे। तो बाहर बंद करने के लिए आपको फिर से स्क्रिप्टेड टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्टेड टैग लगा दिए और लूप को बंद कर दीजिए। तो क्या होगा, क्या इतनी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, इतनी चीज़ें जितनी कैटेगरीज होंगी, तो इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। परफेक्ट, और बीच में मैं कैटेगरी का नाम प्रिंट करूँगा। तो देखिए कैटेगरी का नाम प्रिंट कर लीजिए, आप लगाए एक्सप्रेशन टैग और आप यहाँ लिखिए C:getName। परफेक्ट, तो कैटेगरी का नाम आता जाएगा। देखिए देखिए, अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, देखिएगा, ठीक है, तो लॉगआउट हो जाता है जब भी चेंजेस करते हैं हम लोग सर्वर टी या फिर जावा के कोड में। तो हम फिर से लॉग इन करेंगे भाई। ठीक है, और मैं डू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास फॉर्म ओपन है, और जब आप सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए, परफेक्ट, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा ही आपका ये प्रोफाइल पेज ओपन हुआ,
और जैसे ही प्रोफाइल पेज ओपन हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ तो इसने पोस्ट डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको कनेक्शन चला गया, इसने सारी कैटेगरीज उठा के मुझे दे दी। तो मैंने क्या, एक एक कैटेगरी उठा के मैंने यहाँ पे दिखा दी, देख लीजिए, परफेक्ट कैटेगरीज। माई बाई चांस फ्यूचर में आप यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर दी, ऐड कर दी डेटाबेस प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे डेटा इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर आप सेव कर देते हो और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश कर देते हो पेज को, तो आप देखोगे वो कैटेगरी देखें यहाँ पे भी आ गई, डेटाबेस प्रोग्राम। इसका मतलब अब ये जो डेटा आ रहा है ये यूज़र से डेटा, ये डेटा आ रहा है हमारा बैकएंड से, डेटाबेस के अंदर से। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस करोगे तो ये वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, इसके अंदर। तो परफेक्ट, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप डेटाबेस से कैटेगरीज को बढ़ा सकते हो, या आप बाद में इसी प्रोजेक्ट में एडमिन पैनल बना सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो, ऐड कैटेगरी का भी ऑप्शन दे सकते हो, जिसमें एडमिन कैटेगरीज को ऐड कर देगा। अब इन केस अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हो कि भाई कोई भी कैटेगरी को ऐड कर दे, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को यूज़र लॉगिन पे भी रख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ यू इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट्स। अब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अपना, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में कौन सा लॉजिक लगाना है, कैसे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड कर रही है। आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उतना सोचो, एटलीस्ट दिमाग को लगाओ, थोड़ा काम करो और अपने प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप उन सब चीज़ को सीख करके अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट खुद क्रिएट करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को ले जाएंगे अजैक्स के थ्रू डेटाबेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और डोंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे फॉर्म का जो डेटा है उसको हम लोग सबमिट करेंगे अपने बैकएंड डेटाबेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।